आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में ये पूछ रखा था कि भैया महाराष्ट्र कॉरपोरेशन का शेयर कैसा है, मेरे पैसे इसमें फंसे हुए हैं, क्या मैं इसको होल्ड करूं या फिर अब बेच के निकल जाऊं। या फिर वो लोग भी हैं जो कि कमेंट सेक्शन में ये भी पूछ रहे थे कि भैया मैं तो फंसा हुआ हूं, क्या मैं इसको एवरेज कर सकता हूं। तो उनके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो से उनको मिल जाएंगे, तो धैर्य के साथ इस वीडियो को देखिए। हो सकता है कि आपको ये वीडियो थोड़ी सी बोरिंग लगे, लेकिन मैं आपको लिख के गारंटी देता हूँ कि इस कंपनी से संबंधित आपके हर एक निवेश निर्णय बिल्कुल सटीक होंगे इस वीडियो को देखने के बाद। सबसे पहले इस कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, लगभग 40 साल हो गए इस कंपनी को लिस्ट हुए। ये कंपनी पहले कम्यूडिटी ट्रेडिंग की कंपनी थी, अब ये कंपनी खुद को रियल एस्टेट सेक्टर में स्टैब्लिश कर रही है, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन सिर्फ इस चीज़ को जान के इस कंपनी के भीतर जिन लोगों ने निवेश किया था उनके पैसे फंसे हुए हैं, पैसे उनके भी फंसे हुए हैं जो कि अपने सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर की बात सुनकर इस कंपनी के भीतर पैसे लगाए। कंपनी की सिर्फ अच्छी बातों को जानने की कोशिश की, बुरी बातों को जानने की कोशिश भी नहीं की लोगों ने। तो इस वीडियो में कंपनी की अच्छी और बुरी चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं जनता जनार्दन की जय बोल के। इस वीडियो को अगर आप पसंद करें तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। 20 करोड़ की मार्केट कैप है और कंपनी के ऊपर कर्जा बिल्कुल नहीं है। यही चीज़ ऐसी थी जो आपके सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर आपको बता के चले गए। इसके बाद प्रॉफिट ग्रोथ रेट आपको बता दिया गया, हो गया। इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ इस कंपनी के भीतर हो जो अच्छी हो, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अब मैं बुरी चीज़ों को गिनवाता हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा। सेल्स ग्रोथ रेट 0%, रिटर्न ऑन इक्विटी 3.5%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 3.5%। इसे क्या हम चल जाएगा क्या? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कंपनी अगर 100 रुपये लगा रही है तो कितने प्रतिशत का रिटर्न निकाल पा रही है, तो 3.5% का। इससे ज़्यादा तो कंपनी अगर FD करा दे पैसे, तो उससे ज़्यादा रिटर्न दे के चली आएगी। यहाँ पे कमी दिख रही है कंपनी की, इस चीज़ को आपके सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर आपको नहीं बताए। कंपनी की ये प्रोजेक्ट मिल रहा है, वो प्रोजेक्ट मिल रहा है कह के आपका काटा गया है बहुत बढ़िया से। तो जो लोग इस कंपनी के भीतर हैं वो लोग थोड़ा सा ध्यान दें इस वीडियो के ऊपर। कंपनी के अगर रेवेन्यू चार्ट पे हम जाएं तो आप पाएंगे कि 2023 के फाइनेंशियल ईयर में 1,13,00,000 की टोटल रेवेन्यू जनरेट हुई है और नेट इनकम 72 लाख की हो गया बस। इसके पहले ये कंपनी लगातार नुकसान में थी। बैलेंस शीट की बात कर ले तो कंपनी के जो संपत्ति का ब्यौरा देखने को मिल रहा है इसमें ग्रोथ है, लेकिन साथ ही साथ अगर आप लाइबिलिटी को देखें तो लाइबिलिटी बिल्कुल खत्म होती जा रही है इस कंपनी के ऊपर से। ऐसी कौन सी कंपनी होगी जिसके ऊपर लाइबिलिटी होगी ही नहीं? नोटिस कीजिएगा इस बात को। कैश फ्लो पे जाके अगर देखें कंपनी के कैश रिजर्व कितने हैं कंपनी के पास, तो नेगेटिव में कैश फ्लो चल रहा है, यानी कि कंपनी के पास भी पैसे नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, इसकी कॉम्पिटिटर को देखते हैं। KPR मिल्स हैं, वेदांत फैशन है, ट्राइडेंट है, वेल्स फोन है, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कि इसकी कॉम्पिटिटर है। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि अगर आपके पैसे फंसे हुए हैं ना, तो भाई आप एक स्टॉप लॉस लगा लो। ज़्यादा इंतजार मत करो कि ये शेयर ऊपर आएगा तो फिर आप सोचोगे, और जब खरीदने जा रहे हो आप लोग किसी भी शेयर को, तो कंपनी के कुछ डेटा को देख लो, उसकी वैल्यूएशन को देख लो। हाथ जोड़ के मैं निवेदन कर रहा हूँ, मेरा कोई फ़ायदा और कोई नुकसान नहीं है, नुकसान आपका है। और कमेंट सेक्शन में जब आप लोग कमेंट करते हो ना कि मेरा नुकसान हो रहा है, तो मुझे बहुत बुरा लगता है उस टाइम पे कि आप लोग गलती क्यों इतना कर रहे हो, इस चीज़ को मत किया करो। वैल्यूएशन देखो पहले, स्मॉल कैप और मिड कैप में ऐसी ही पिटाई चल रही है, और लीप ईयर का जो ये भौकाल बना हुआ है इससे डरने की बात नहीं है। बढ़िया कंपनी को अच्छी वैल्यूएशन पे खरीदोगे, हमेशा फायदे में रहोगे। इसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न को आप देखो पहले। अगर ये कंपनी इतनी अच्छी रहती है, आपके सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर इतने ज़्यादा जानकार रहते, तो उनसे ज़्यादा जानकार इंस्टीट्यूशंस बैठी हुई है जो किसी भी कंपनी के इंटरनल डेटा को निकालने का काम बखूबी जानती है। अगर कोई इंस्टीट्यूशंस इसके भीतर अपने स्टेक नहीं रखे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं कोई बड़ी वजह ही होगी। इस चीज़ को आप मत भूलना कभी भी। म्यूचुअल फंड नहीं है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस नहीं है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस नहीं है, प्रमोटर के जो स्टेक हैं वो भी लगातार कम होते जा रहे हैं। रिटेल निवेशकों को लगता है कि ये कंपनी उनको राजा बना देगी, तो भैया नहीं होने वाला है। आप अपने स्टॉप लॉस लगा लो, अब ज़्यादा मत सोचो, और ऐसे शेयर को खरीदने से पहले 100 बार कैलकुलेशन कर लो। 100 रुपये भी डालने हैं ना, तो ये सोच कर ही डालना ऐसी कंपनियों में कि ये पैसा वापस आने वाला है नहीं, 5 साल 10 साल बाद ही आएगा, तो आएगा नहीं आएगा तो कंपनी भी ख़त्म हो जाएगी। कंपनी भी वो पकड़ो जिसमें दम हो, जो चल पाए अगले 5 साल तक। इस कंपनी की जो वित्तीय स्थिति है, ऐसा देख के ये नहीं लगता है कि ये कंपनी अगले 5 साल भी मार्केट में सर्वाइव करेगी। बाकी ये वीडियो अगर पसंद आया, बातें अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लेना। धन्यवाद।